Hello and welcome to Grad School. This is Kiran and I'm here with the third chapter of your English Flamingo, that is the Deep Water. This chapter is an autobiographical account which is written by William Douglas. So this story is quite inspirational one. इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो राइटर हैं, जो विलियम डगलस हैं, वो अपना जो फियर है, पानी से उनको डर लगता है, वो कैसे उस डर को ओवरकम करते हैं. अगर अभी तक आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पे जो आई बॉल है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी बाकी की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. एंड डू सब्सक्राइब ग्रैड स्कूल. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो ये जो है विलियम डगलस बताते हैं इस चैप्टर में कि उनको पानी से डर लगता होता है. इसके दो रीज़न थे. पहला रीज़न तो ये था कि जब वो छोटे थे, वो 3-4 साल के थे, तो वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच में जाते हैं घूमने के लिए. वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेव जो है उनको पानी में पुश कर देती है. द वेव नॉक्ड हिम डाउन इनटू द वाटर. तो पहली बार जो है उनको वो वहाँ से जो है ये टेरर आता है उनके दिमाग में कि वो पानी के अंदर कभी नहीं जाएंगे. फिर जब वो बड़े होते हैं थोड़ा, जब वो 11 साल के थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे. तो वो जो है वो YMCA पूल जो कि याकिमा में है, वहाँ स्विमिंग सीखने का जो है डिसीजन लेते हैं. क्योंकि ये जो पूल है, ये पूल एक सेफ पूल था और ये जो है एक एंड से तो 2 या 3 फीट शैलो था और दूसरे एंड से 9 फीट डीप था. तो जो राइटर है, पहले कुछ दिन तो उनके दिमाग में ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि उनकी जो बॉडी है बहुत स्विमिंग काफ़ी स्किनी है, शायद लोग उन्हें देख के, उनकी स्किनी लेग्स को देख के मजाक उड़ाएंगे. लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो यूज टू हो जाते हैं. एक दिन होता क्या है कि वो पूल में थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, कोई भी वहाँ नहीं होता, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं वेट करूंगा जब तक दूसरे लोग नहीं आते. तो जो विलियम डगलस है वो पूल के साइड पे बैठे होते हैं कि एकदम से एक 18 ईयर ओल्ड जो है एक लड़का आता है और वो राइटर को उठा के पानी में फेंक देता है. तो जो राइटर है वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जैसे ही वो पानी के नीचे जा रहे होते हैं तो वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेंगे वो एक ज़ोर से जंप लेंगे, ताकि वो जो है बिल्कुल एक कॉर्क की तरह, जैसे कॉर्क हल्की होती है एकदम से पानी के ऊपर आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि वो पानी के अंदर जब जाएंगे, बॉटम पे हिट करेंगे, तो वो एक ज़ोर से जंप लेंगे ताकि वो पानी के ऊपर आसानी से आ जाएं. लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता. जैसे वो जंप करते हैं जो पानी की फोर्स है वो उन्हें दोबारा से नीचे पुल कर लेती है. वो दोबारा से ट्राई करते हैं. इस बार क्या है, वो कोशिश करते हैं कि उनके हाथ में कोई रस्सी आ जाए, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ पानी आता है. वो सफोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं. वो कोशिश करते हैं कि वो किसी को आवाज़ लगाएं, हेल्प के लिए किसी को बुलाएं, लेकिन उनके मुंह में जो है वो पानी चला जाता है. उनकी आईज, उनका जो नोज़ है उसमें पानी भर जाता है. उनके जो लंग्स हैं वो एकदम से चोक करने स्टार्ट कर देते हैं. उनकी जो लेग्स हैं वो पैरालाइज्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं. अब वो तीसरा अटैम्प्ट है जो वो जो ट्राई करते हैं. अब इस अटैम्प्ट में क्या होता है कि वो जो है उनकी बॉडी जो है वो एकदम से पैरालाइज्ड हो जाती है. उनको ऐसा लगता है मानो कि चारों ओर क्या है, एक शांति छा गई हो, चारों एक क्वाइट एंड पीसफुल एटमॉस्फियर हो. बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे मानो कि वो अपने मम्मा की गोद में है. तो उनको जो है, कहने का मतलब ये है कि ही इज़ क्वाइट नियर टू डेथ. जो एक साइन था जो उन्हें ये बता रहा था कि वो ज़िंदा हैं, वो क्या था कि उनकी जो हार्ट बीट है वो अभी भी चल रही होती है. सो यहाँ पे चैप्टर में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, द कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल. इसका मतलब है कि राइटर ने 3 अटैम्प्ट किए और तीनों अटैम्प्ट जो हैं वो एक फेलियर थे, जिसकी वजह से जो राइटर है वो चॉक करना स्टार्ट कर देते हैं. उनके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. उनके दिमाग में बिल्कुल एक अंधेरा छा जाता है और उनको एकदम से शांति महसूस होने लगती है. मतलब कि अब वो शायद मरने वाले थे. राइटर जो हैं जब आँखें खोलते हैं अपनी, तो वो देखते हैं कि वो पूल के एक साइड पर लेटे हुए हैं और वो वॉमिट कर रहे होते हैं. दैट मीन्स कि राइटर को, विलियम डगलस को रेस्क्यू कर लिया गया है. उस दिन राइटर जो है घर जाके ना तो उन्होंने प्रॉपर खाना खाया, ढंग से खाना खाया, ना ही वो रात को सो पाए. क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें बंद करते थे, वो सारा इंसिडेंट जो है वो उनके आँखों के सामने आ जाता था. तो राइटर ने डिसाइड किया कि अब से वो पानी को अवॉइड करेंगे. तो जिसकी वजह से राइटर के जो काफ़ी जो अच्छे मूवमेंट्स थे वो मिस हो गए.
जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी पानी में जाने की, बोटिंग कैनोइंग की, तो वो जो है नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो जैसे ही ट्राई करते थे पानी के अंदर जाना तो उनका जो पुराना डर था पानी वाला, वो दोबारा से उनको जो है वो पानी के अंदर जाने से रोक लेता था। तो फाइनली एक दिन अक्टूबर में जो है राइटर डिसाइड करता है, विलियम डगलस डिसाइड करते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो उनको स्विमिंग सिखाएगा। तो जो वो इंस्ट्रक्टर है वो राइटर को हफ्ते में 5 दिन, 1 दिन में 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग देने आया करते थे। वो क्या करते थे कि वो राइटर के अराउंड एक बेल्ट लगा देते थे और बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध देते थे और रस्सी के एक एंड को अपने हाथ में पकड़ लेते थे। कभी तो वो रस्सी को लूज छोड़ते, कभी टाइट खींचते, सो दैट जो राइटर है वो पानी के अंदर सांस लेना सीख ले। तो राइटर ने धीरे धीरे उनको सिखाया कि पानी के अंदर जो है पैडलिंग कैसे करते हैं, पैरों को कैसे चलाते हैं, कैसे जो है नोज़ को जो है पानी के जो है नीचे, पानी के नीचे कैसे एक्सहेल करना है, कैसे पानी के ऊपर आके जो है इनहेल करना है। तो जो है स्टेप बाय स्टेप ऐसे जो है जो इंस्ट्रक्टर ने जो राइटर के अंदर से एक स्विमर जो है उसको डेवलप किया। तो फाइनली जो है अप्रैल में जो राइटर है वो पूरी तरह से तैयार हो गए, लेकिन अभी भी उनको जो है ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अकेले स्विमिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो जो है वो 3 लेक्स में जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो अकेले स्विम कर पाएंगे या नहीं। तो पहली लेक जहां वो जाते हैं वो है लेक वेंटवर्थ। पहली लेक जो वहां जाते हैं वो है लेक वेंटवर्थ, दूसरी लेक है वॉर्म लेक, और जो तीसरी लेक है दैट इज लेक टाइटन। तो जो राइटर हैं वो पाते हैं कि वो सक्सेसफुली जो है तीनों लेक्स में अकेले स्विमिंग करने के कैपेबल हैं। तो दैट इज़ व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, कि डर के आगे जीत है। इनफैक्ट राइटर भी ये स्टोरी के एंड में लिखते हैं दैट देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सो ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ, कि हमें जिस चीज़ से डरने की ज़रूरत है वो हमारा डर ही है, क्योंकि डेथ में तो पीस है। सो दैट इज़ हाउ द राइटर ओवरकेम हिज फियर। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर के एंड में ये 7 क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन